पृथ्वी के इतिहास में एक बड़ा होल है, एक ऐसा होल जिसने साइंटिस्टों के सभी थियरीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि ये देखो, ये सबसे आखिरी यूनिसेलुलर जीव जो आज से करीब 3 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर पहली बार दिखा। बट देन इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे पुराना जीव हमें मिला है, जिसके होने का एक पुख्ता एविडेंस हमें मिला है, वो मल्टीसेलुलर सी स्पॉन्ज है, जो आज से करीब 600 मिलियन साल पुराना है। अब ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है, इन दोनों जीवों के बीच में कई सारे ऐसे जीव होने चाहिए थे जो उस यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर के बीच के परिवर्तन को दिखा सके। लेकिन कैन यू बिलीव इट, आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम एक ऐसा सिंगल जीव भी नहीं ढूंढ पाए जो इस गैप में परफेक्टली फिट बैठता, यानी कि वी हैव अ बिग प्रॉब्लम। पृथ्वी के जीवों के इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब है, इतना बड़ा कि पृथ्वी के जमीनी लेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसे कंपेयर करें तो एक माउंट एवरेस्ट जितने लंबे साइज का लेयर पृथ्वी से गायब है। अब ये ऐसा कंपैरिजन आखिर क्यों किया गया? तो देखो, पृथ्वी के इतिहास के बारे में ना अर्थ के सभी लेयर्स को खोद के पता किया जाता है, और वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कैसे। लेकिन इस गुम हुई हिस्ट्री को अगर आप जियोलॉजिकल स्केल पर नापोगे ना, तो यू समझ लो एक पूरे माउंट एवरेस्ट के पहाड़ जितना बड़ा हिस्सा अर्थ के लेयर्स से गायब है। सो अब सवाल यहां पर यह आता है कि अर्थ के हिस्ट्री का इतना बड़ा हिस्सा आखिर गया कहां, और क्यों दुनिया भर में अब तक ऐसा एक इंसान नहीं है जो इस मिस्ट्री को पूरी तरीके से डिकोड कर पाया। वेल, इसे समझने के लिए हमें कहानी को शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। 17th सेंचुरी में जब इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश लोग कर रहे थे कि पृथ्वी की एग्जैक्ट एज आखिर क्या है, उस समय 17वीं सदी में आयरलैंड के एक चर्च के हेड आर्क बिशप जेम्स ओशर ने बाइबल में लिखे इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी की एज को 6000 साल बताया था। अब क्योंकि आर्क बिशप ने इस एज को रिलीजियस इवेंट्स के बेसिस पर कैलकुलेट किया था, इसीलिए उस वक्त के सभी लोगों ने इस पर आंख बंद करके भरोसा कर दिया। बाइबल पर लिखी बात कैसे गलत हो सकती। लेकिन इसे सच मानने वाले लाखों लोगों की भीड़ में एक इंसान ऐसा था जिसे ये एज गलत लग रही थी, और वो थे मॉडर्न जियोलॉजी की नींव रखने वाले स्कॉटिश जियोलॉजिस्ट जेम्स हटन। जेम्स हटन का कहना सिंपल था, पृथ्वी की एज 6000 साल हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनका यह मानना था कि पृथ्वी पर मौजूद बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जैसे कि माउंटेन्स और ओशियन बेड्स को बनने के लिए ही हजारों साल लग जाते हैं। तो आखिर पृथ्वी की एज 6000 साल कैसे हो सकती है? अब क्योंकि हटन आर्क बिशप के खिलाफ जा रहे थे, इसीलिए लोगों ने उनका समाज से बहिष्कार कर दिया, जैसे अक्सर उस समय होता था। गैलीलियो के साथ भी यही हुआ था। बट क्यूरियोसिटी का कीड़ा कह लो, लोगों के इस बर्ताव के बाद भी हटन को अपनी थियरी पर पूरा भरोसा था, जिसे उनने बाद में इंपॉर्टेंट सबूत देकर प्रूफ भी किया। अपनी बात को साबित करने के लिए वो सॉइल के अलग अलग सैंपल स्टडी करने लग। इस स्टडी के दौरान उन्होंने ये नोटिस किया कि एटमॉस्फेयर और पानी के कंटीन्यूअस इंटरैक्शंस की वजह से पत्थर धीरे धीरे टूटकर मिट्टी में तब्दील हो रहा है, और वही मिट्टी जब इस तरह से एक दूसरे पर जमा होती है तब भारी प्रेशर के चलते वो दोबारा पत्थर में तब्दील होती है, जो पूरा प्रोसेस काफी स्लो और टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब इससे हटन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की डिस्कवरी की। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि अलग अलग टाइम पर बनी मिट्टी की लेयर्स हमें उस पर्टिकुलर समय की कहानी बयां करती है, यानी कि क्लियरली हटन की जो मान्यता थी कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को बनने के लिए हजारों साल लगते हैं, वो अंत में सही निकला, वो भी एक बड़ी डिस्कवरी के साथ। इन्हीं प्रूफ्स के साथ उन्होंने अपनी इस थियरी को पब्लिश कर दिया, और देखते ही देखते हटन की ये थियरी पूरी दुनिया में फैल गई, जिसे पढ़कर दुनिया भर के ब्रिलियंट माइंड्स को पहली बार दो चीजों के बारे में पता चला। पहला, पृथ्वी के नीचे सॉइल के अलग अलग लेयर्स होते हैं, और दूसरा, हर एक सॉइल का लेयर पृथ्वी के किसी पास्ट पीरियड की कहानी को बयां करता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी एक लाइब्रेरी है, और उसमें मौजूद हर एक लेयर एक किताब है। अब जैसे कोई हिस्ट्री की किताब पढ़ने पर हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम इन लेयर्स को स्टडी करेंगे, हमें उन लेयर्स में कैद सभी पास्ट इवेंट्स के बारे में पता चलेगा। और इसीलिए पृथ्वी के इतिहास को स्टडी करने के लिए उस समय के रिसर्चर्स ने उसके कई सॉइल लेयर्स को स्टडी करना शुरू किया, और उनका एक मैप बनाया, जिसे उन्होंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ नाम दिया। अब इस मैप के बनने के कुछ ही साल बाद एक जियोलॉजिस्ट ने यह देखा कि पृथ्वी के लाइब्रेरी में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक तो आखिर मिसिंग है। बिल्कुल वही बुक जिसमें इस बात का, इस प्रोसेस का नॉलेज है जो हमारे मॉडर्न डे साइंटिस्ट लेना चाहते हैं कि कैसे एक यूनिसेलुलर जीव मल्टीसेलुलर जीव में तब्दील हुआ होगा। अब फ्रेंड्स, अगर आप साइंस कम्युनिटी से वास्ता रखते हैं तो आपको पता होगा ये एक साइंस में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हमारे पास अभी तक सिर्फ थियरीज है, जो कि एवोल्यूशन थियरी पर बहुत सारे प्रेडिक्शन है, बहुत सारे मॉडल्स है जो एवोल्यूशन थियरी को यूज करके प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ होगा, बट हमारे पास पक्के प्रमाण नहीं है इन टर्म्स ऑफ हार्डकोर फिजिकल एविडेंसेस। अब ऐसा क्यों है?
Well, interestingly, दो थियरीज है जो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है कि क्यों पृथ्वी के इतिहास में इतना बड़ा होल है. And you know what the worst part is? दोनों थियरीज और उसके प्रूफ्स एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट करते हैं. अब वो दो थियरीज क्या है और उसमें से आपके हिसाब से कौन सी सही है, इसके बारे में हम बात करेंगे. So, अब जानते हैं कि साइंटिस्ट आखिर हमारे पृथ्वी के इतिहास में बने उस गैप को कैसे फिल करते आए. तो देखो, हुआ कुछ यूं कि हटन की थियरी पब्लिश होने के बाद उस पर और एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जॉन पॉवेल अमेरिका के फेमस ग्रैंड कैनियन में पत्थरों की स्टडी करने लगे, क्योंकि ये एरिया दुनिया के उन कुछ जगहों में से है जहां पर जियोलॉजिस्ट को पृथ्वी के कई अलग अलग रॉक लेयर्स अपनी आंखों के सामने क्लियरली दिखाई देते हैं. तो जब पॉवेल यहाँ के रॉक लेयर्स को स्टडी कर रहे थे तब उन्हें इनमें से कुछ रॉक्स में एक अजीब सा पैटर्न दिखा. उन्होंने देखा कि निचला रॉक एक वर्टिकल पैटर्न में बना हुआ है जबकि उसके जस्ट ऊपर वाला रॉक हॉरिजॉन्टल पैटर्न में बना था. अब क्योंकि पॉवेल को हटन की सॉइल लेयर्स वाली थियरी की जानकारी थी, उन्हें पता था कि दो लेयर्स में इतना बड़ा डिफरेंस नेचुरली नहीं आ सकता और इसीलिए उनके हिसाब से इन दोनों लेयर्स के बीच एक तीसरे लेयर को एग्जिस्ट करना चाहिए था जो इन दोनों लेयर्स के ओरिएंटेशन के बीच इस तरह एक ट्रांजिशन का काम करता. तो अपने इस डाउट को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने दोनों रॉक लेयर्स की डेटिंग की एंड He was shocked. उन्हें पता चला कि ऊपर वाला रॉक लेयर 550 मिलियन साल पहले केम्ब्रियन एरा में बना था और वहीं पर नीचे वाला रॉक 1.7 बिलियन साल पहले प्रोटेरोजोइक एरा में बना था. यानी कि उन दोनों लेयर्स में 1.2 बिलियन सालों का गैप था. लेकिन आखिर कैसे एक इतना बड़ा सॉइल लेयर पृथ्वी से कैसे गायब हो सकता है? वेल, पॉवेल के सामने भी यही सवाल था और इसीलिए उन्होंने इसका जवाब ढूंढना शुरू किया. इस डायरेक्शन में काफी मेहनत करने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली उन्हें एक भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जो इस गुत्थी को सुलझा सके. और इसी वजह से, क्योंकि इस फिनोमेनन के पीछे की असली वजह अननोन थी, पॉवेल ने इसे नाम दे दिया द अनकन्फॉर्मिटी. यानी कि जो जियोलॉजी के नेचुरल प्रेडिक्शन के साथ कन्फर्म नहीं कर रहा, कोरिलेट नहीं कर रहा. अब मे बी आपके दिमाग में ये सवाल आए कि पृथ्वी पर मौजूद एक कॉन्टिनेंट के एक सिंगल कंट्री में एक स्पेसिफिक जगह पर एक मिट्टी के लेयर का मिसिंग होना क्या एक्चुअली में इतना बड़ा प्रॉब्लम है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस स्पेसिफिक जगह पर पास्ट में कोई बड़ा सा मीटियोराइट गिरा हो या कोई वोल्केनिक इरप्शन हुआ हो और सबूत मिट गए. वेल, यही सवाल साइंटिस्टों के दिमाग में भी आया और बस इसीलिए ऐसा कोई गैप है कि नहीं इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई. तभी उन्हें पता चला कि प्रोटेरोजोइक और केम्ब्रियन पीरियड के बीच की ये लेयर सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि स्कॉटलैंड, कनाडा, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट्स के नीचे से गायब है. सो यहाँ पर बात एकदम साफ थी, ये ग्लोबल फिनोमेनन है और जब इस फिनोमेनन के ग्लोबल होने की घोषणा कर दी गई तब इसके नाम को अपडेट कर दिया और उसका नया नाम रखा गया द ग्रेट अनकन्फॉर्मिटी. इसका मतलब पूरी दुनिया में प्रोटेरोजोइक और केम्ब्रियन पीरियड के बीच के 1.2 बिलियन साल हमारे पृथ्वी के इतिहास से हमेशा हमेशा के लिए मिट गए. पर आखिर कैसे? वेल, एक पॉसिबल थियरी ये कहती है कि इस 1.2 बिलियन साल के उस गैप के दौरान पृथ्वी एक स्नोबॉल की तरह थी और इसीलिए उस समय की बर्फ के पिघलने की वजह से आज बीच की लेयर गायब है. दरअसल जब जियोलॉजिस्ट ने उन दोनों लेयर्स को स्टडी करना शुरू किया तभी उन्हें उस बड़े होल के करीब ऐसे काले सीमेंट जैसे रॉक्स के लेयर्स नजर आए. अब ऐसे काले लेयर्स मोस्टली टेक्टोनिक एक्टिविटीज के वजह से ही होते हैं और इसीलिए उस वक्त कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है या नहीं उसे वेरीफाई करने के लिए जियोलॉजिस्ट ने उस समय की प्लेट टेक्टोनिक्स के डेटा को स्टडी किया. इस स्टडी में उन्होंने देखा करीब 1.3 बिलियन साल पहले जब पृथ्वी के इतिहास में ये होल बनना शुरू हुआ था तभी पृथ्वी की हालत कुछ ऐसी थी. उस समय पृथ्वी पर बस सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद था, रोडिनिया, जो जस्ट टूटना शुरू हुआ था. उसके टूटने की वजह से पृथ्वी के अंदर बसा मैग्मा लावा के रूप में सरफेस से बाहर निकला और काले रॉक्स के रूप में सोलिडिफाई हो गया. अब लावा के पृथ्वी के सरफेस पर आने की वजह से दो चीजें हुई. पहला, लावा से निकल रहे सल्फर ने पृथ्वी पर आ रही सनलाइट को रिफ्लेक्ट किया जिसकी वजह से पृथ्वी का ओवरऑल टेम्परेचर कम होने लगा. दूसरा, रोडिनिया के टूटने की वजह से पृथ्वी के क्रस्ट में मौजूद लाइमस्टोन जैसे पत्थर ऊपर सरफेस पर आए और उन्होंने एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर ट्रैप करके कार्बोनेट्स बनाना शुरू किया. इससे हुआ ये कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगी और अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी को गर्म रखती है तो आज से करीब 750 मिलियन साल पहले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी कम हुई कि पृथ्वी का ओवरऑल टेम्परेचर घट गया. और यही वजह कि ज्यादातर जियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट्स की वजह से पृथ्वी पोल से लेकर इक्वेटर तक एक बर्फ के गोले की तरह जम चुकी थी. फॉर कॉन्टेक्स्ट, अगर कोई स्पेस से उस वक्त पृथ्वी को देखता तो वो कुछ ऐसी नजर आती, बिल्कुल किसी स्नोबॉल की तरह. और इसीलिए जियोलॉजिस्ट ने इस थियरी को नाम दिया द स्नोबॉल अर्थ.
पर जैसे हमने पहले जाना था, ये बस सिर्फ एक स्पेक्युलेटिव थियरी है, यानी कि एक हाइपोथेसिस, क्योंकि काले पत्थरों का लेयर सिर्फ रोडिनिया के एग्जिस्टेंस को प्रूफ करता है, बर्फ के एग्जिस्टेंस को नहीं। और इसीलिए अपने हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए उन्होंने इस बर्फ के एग्जिस्टेंस के सबूत को ढूंढना शुरू किया। इस डायरेक्शन में रिसर्च करते समय जियोलॉजिस्ट को वहां पर ये मिला। इसमें आप देख सकते हो नीचे वाला लेयर यूनिफॉर्म है, बट एट द सेम टाइम इस पर कुछ स्लैंटिंग लाइंस भी है। सो जियोलॉजिस्ट ने सोचा कि ये लाइंस तब बनी होगी जब स्नो उस रॉक बेड के ऊपर मौजूद सॉइल को अपने साथ बहा कर ले गया, और इसी वजह से गैप के जस्ट ऊपर वाले लेयर का टेक्सचर काफी ज्यादा अनइवन है। यानी कि पृथ्वी पर आइस एज हुआ, जिसकी वजह से पृथ्वी एक स्नोबॉल बनी, और इवेंचुअली वो स्नो मेल्ट होकर माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा लेयर अपने साथ समुंदर में बहा कर ले गया। मीनिंग अब बस एक ही मेजर सवाल बचा था कि आखिर स्नोबॉल अर्थ पर यूनिसेलुलर जीवों को मल्टी सेलुलर जीवों में तब्दील होने की जरूरत क्यों पड़ी। वेल, इस सवाल के जवाब में विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के दो रिसर्चर्स पीटर और ग्रेशियस ने नॉर्थ अमेरिका में फैले कैम्ब्रियन एरा के 20,000 ओशियनिक रॉक सैंपल्स को स्टडी करना शुरू किया। इस स्टडी के दौरान उन्होंने देखा कि इन रॉक्स में पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और सिलिका जैसे एलिमेंट्स भारी मात्रा में प्रेजेंट थे। अब उन्हें पता था कि स्नोबॉल थियरी के अकॉर्डिंग जो इरोजन हुआ था उसके चलते एक बड़ा सा पार्ट समुन्द्र में भी गिरा था, और इससे हुआ ये कि समुन्द्र में मौजूद एलिमेंट्स में उथल फुथल हुआ, जिसका सबसे बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा वहां पर रहने वाले यूनिसेलुलर जीवों को, क्योंकि इस उथल फुथल की वजह से ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जरूरत से ज्यादा एलिमेंट्स की भरमार हुई, जिसके चलते वो एक एक करके मरने लगे। अल्टीमेटली इस बदलते एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने के लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाकर खुद को इवॉल्व किया। उन्होंने इन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल्स के फॉर्म में एक्सक्रीट करना शुरू किया, एंड हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। उन्होंने उस समय ये सभी मिनरल्स अपने सर्वाइवल के लिए बनाए थे, लेकिन लाइफ ने उन चीजों को एक अलग ही मोड़ दे दिया। लाइफ ने इन मिनरल्स की मदद से बोन्स, टीथ्स और शेल्स बनाकर नए लाइफ फॉर्म्स को जन्म दिया इन द फॉर्म ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और प्रोबेबली यही वजह थी कि इस गैप के तुरंत बाद वो फर्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सी स्पॉन्ज था, जो अगेन मेजरली कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है। सो फैसिनेटिंग, राइट? मिस्ट्री सॉल्व्ड? वेल, एक्सेप्ट देयर इज अ ट्विस्ट। एक दूसरे स्टडी के अनुसार स्नोबॉल अर्थ कभी बना ही नहीं हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर के साइंटिस्ट्स जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के डेटा को स्टडी कर रहे थे तो एक दूसरा एंगल निकल कर आया। उन्होंने देखा कि पृथ्वी के इतिहास में होल के बनने के जस्ट पहले उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आज के कंपैरिजन में 90% कम हो गई थी, और जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड ही उसे सन से आ रहे हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गई तो पृथ्वी पर सन से आ रहे रेडिएशन की बारिश शुरू हो जाएगी और आइस एज बनना पॉसिबल नहीं हो सकता। और यही वजह है कि स्नोबॉल अर्थ एक नियर टू परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देने के बावजूद भी एक कंप्लीट थियरी नहीं है। एक ही समय पर पृथ्वी पर आइस एज और सोलर रेडिएशंस की बारिश दोनों कैसे मुमकिन हो सकता है? सो अगेन, यस, वी आर बैक टू स्क्वायर वन, जैसे साइंस में अक्सर होता है, बट नाउ विद फ्रेश न्यू आइडियाज एंड फ्रेश न्यू पर्सपेक्टिव्स। पृथ्वी के अंदर से एक इतने बड़े लेयर का गायब होना अभी भी एक मिस्ट्री है, लेकिन ये इकलौती अनसॉल्वड मिस्ट्री नहीं है। पृथ्वी की एक और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो अभी तक अनसॉल्वड है, एक ऐसा इनविजिबल बैरियर जो सिर्फ 35 किलोमीटर दूर बसे दो आइलैंड्स में पाए जाने वाले एनिमल्स और बर्ड्स को आपस में मिलने से रोकता है, और इस वजह से सिर्फ 35 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही आपको ऐसे जानवर और बर्ड्स दिख जाएंगे जो एक दूसरे से कंप्लीटली अलग है। दरअसल इंडोनेशिया के दो आइलैंड्स बाली और लोम्बोक, जिनमें सिर्फ 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहां पर पाए जाने वाले बर्ड्स और एनिमल्स के स्पीशीज में जमीन आसमान का फर्क है, और साइंटिस्ट का ये कहना है कि वहां पर एक इनविजिबल बैरियर है, एक ऐसा इनविजिबल बैरियर जो इन दोनों आइलैंड्स के बर्ड्स और एनिमल्स को क्रॉसओवर करने से रोकता है, यानी कि मिंगल करने से रोक रहा है। अब ये बैरियर क्या है और ये कैसे बना, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, इसके बारे में मैंने अपने इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है, इसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।